सहरा में जंगलों में बियाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا فبشره بعذاب أليم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. اللہ ہی اس کی مراد کو خوب جانتا ہے. یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں جو کہ ہدایت اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. پہلے ان پانچ آیتوں کے تعلق سے قرآن کریم کی بہت سی سورتوں کا آغاز الف لام میم. ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں. الف کو الگ، لام کو الگ، میم کو الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں. تو قرآن میں بہت ساری سورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے. پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے، سورہ اعراف کے اندر، سورہ یوسف کے اندر، سورہ مریم کے اندر، بہت ساری سورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہوئے ہیں. تو مفسرین کرام صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوسی، صاحب تفسیر قرطبی علامہ محمد بن احمد الانصار القرطبی اور دیگر بہت سے مفسرین ان حروف کے تعلق سے کہتے ہیں الف لام میم اللہ اعلم بمرادی، کہ اس کا صحیح معنی کیا ہے دنیا میں کوئی اسے جانتا نہیں. الف لام میم کا معنی مفسرین کے قول کے مطابق اس کا معنی کوئی نہیں جانتا. تو پھر سائنسداں
और अक्ल के घोड़े दौड़ाने वाले लोग ये सवाल करते हैं कि जब अलिफ लाम मीम का माना कोई जानता नहीं तो ये मुबहम जुमला कुरान में क्यों उतारा गया। तो ये मुबहम जुमला जिसका माना अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, इसे उतारने के कई मकासिद हैं। सबसे पहले मेरे और आपके ईमान को परखना है कि हमें अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आता है, चाहे वो हमारे अकल में आए या ना आए, हम उसको माने, उस पर ईमान रखें। दूसरी बात, ये हरूफ शुरू में इसलिए लाए जाते हैं कि मुशरिकीन मक्का ने ये चैलेंज किया और ये झूठा इल्जाम नबी पर गढ़ा, अम यकूलू नफ्तरा, कि ये कुरान मोहम्मद ने अपनी तरफ से बना लिया है। तो कुरान करीम को वो इंसानी किताब कहते थे, तो कुरान ने कहा कि तुम अरबी दां हो, तुम अरबी जानने वाले हो, तुम्हें अरबी की फसाहत और बलागत में महारत है और तुम इसमें खूब महारत रखते हो। कुरान करीम इन्हीं हरूफ तहजी से बना हुआ है, अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन स्वाद, अलिफ लाम रा, ऐन सीन काफ, हा मीम, ये इन हरूफ से बना हुआ है। अगर इंसान का कलाम है, मोहम्मद का बनाया हुआ कलाम है, तो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा जानने वाले हो। ये हरूफ ले जाओ और इस जैसा कुरान लाकर पेश कर दो। गोया कि ये हरूफ कुफार और मुशरिकीन को चैलेंज है कि ये हरूफ तहजी से तुम भी इस जैसा कुरान लाकर पेश कर दो। और अजीब व गरीब वजह, साहिबे जमालैन अल्लामा जमालुद्दीन रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं कि कुफार कुरान को सुनने से दूसरों को रोकते थे और कहते हैं कि ला तस्मऊ लिहादल कुरान, इस कुरान को मत सुनो। कुरान ने ये हरूफ जिनका माना कोई नहीं जानता, इनको उतार करके उन्हें मजबूर किया सुनने पर। जब इंसान को कोई समझ में नहीं आती तो और ध्यान देता, अरे अलिफ लाम मीम इसका माना क्या, अभी कोई हमारी लुगत में आया ही नहीं, अरब की जितनी लुगत है इसमें माना है नहीं, तो और वो उनको आगे सुनने का शौक और ज़ौक इससे बढ़ेगा। अलिफ लाम मीम कि मैं ऐसा हरूफ नाजिल करता हूँ, ऐसी आयत उतारता हूँ कि तुम मजबूर हो जाओगे सुनने पर। चुनांचे वो मशवरे करते थे कि सुनेंगे नहीं, और फिर बाद में रात में चुप चुप के कुरान सुना करते थे। अलिफ लाम मीम दिल का, इसलिए हमें ये अकीदा रखना चाहिए कि हम मौजे के ऊपर मसा करते, मौजा पहनते कि नहीं, जो चमड़े वगैरह का होता है, तो मौजे के ऊपर मसा का ऊपर करते कि नीचे करते, बोलो ऊपर करते, जबकि मौजा खराब किधर होता, नीचे चलते तो नीचे खराब होता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, लौ कान दीन बिर्रई, अगर दीन अकल का नाम होता, लकान असफल खुफी औला बिल मसह मिन अला, मौजे का निचला हिस्सा मसा करने के ज्यादा लायक होता ऊपर के हिस्से के मुकाबले में, लेकिन चूंकि दीन अक्ल का नाम नहीं है, दीन मानने का नाम है। तिल्क आयतुल किताबिल हकीम, ये पुरहिकमत किताब की आयतें हैं। कुरान करीम के जहां हकीम का लफ्ज आया, इसके दो मफहूम मुफस्सरीन ने बयान की। पहला, तिल्क आयतुल किताबिल हकीम, कुरान में जितनी भी बातें हैं कोई बात हिकमत से और फायदे से खाली नहीं है। अल्लाह ताला के बारे में आता है, फ़ेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, अल्लाह किसी काम का हुक्म देता है या किसी काम से रोकता है तो उसमें कुछ ना कुछ हिकमत होती है जो हमें समझ में नहीं आती। तो कुरान के जितने भी अहकामात हैं, चाहे वो करने के लाइन के हो या
न करने के लाइन के हो, सब के अंदर बहुत से मुनाफे और बहुत सी हिकमतें हैं कि जिन हिकमतों तक इंसान की अकल नहीं जाती। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा तिलका आयतुल किताबिल हकीम, ये कुरान महफूज किताब की आयतें हैं। अल हकीम यानी कुरान को अल्लाह ताला ने इसकी तब्दीली और तहरीफ से इस किताब की अल्लाह ने हिफाजत कर लिया। गोया कि इस आयत का मतलब दूसरे आयत में अल्लाह ने बयान किया, ला यतीहिल बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फी, कि इस कुरान करीम में तब्दीली ना आगे से की जा सकती है ना पीछे से की जा सकती है। कयामत तक इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है और अल्लाह ही इस किताब की हिफाजत करेगा। कयामत तक कोई इंसान इसके हरूफ में इसके नुक्तों में तब्दीली नहीं कर सकता। कुरान ने कहा तिलका, ये कुरान तो बहुत अजीम शान था, हम उसके अहल नहीं थे, इसका मकाम ऊंचा था, लेकिन अल्लाह ने अपने फजल व करम से तुम्हें ये मकाम अता फरमाया और तुम्हें कुरान करीम नाजिल तुम्हारे ऊपर किया और तुम्हें कुरान करीम दिया। हुदा व रहमतल लिल मुहसिनीन, ये कुरान करीम हिदायत है रहमत है नेककारों के लिए। कुरान करीम हिदायत और रहमत है मुहसिनीन के लिए, यानी कुरान करीम से हिदायत तो हर शख्स के लिए, काफिर के लिए भी कुरान हिदायत है, काफिर के लिए भी कुरान रहमत है, लेकिन काफिर और मुशरिक कुरान से फायदा नहीं उठाते। तो यहां कुरान ने कहा फायदा उठाने वाले लोग ये मुहसिनीन है। मुहसिनीन के तीन मतलब मुफस्सिरीन बताते हैं। मुहसिनीन का एक मतलब यह है कि जो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करते हैं, टूटे रिश्तों को जोड़ते हैं। माईशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला ने फरमाती है, सिल मन अताअका वअफु अम्मन ज़लमका, जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ करो। तो जो तुमसे रिश्ते तोड़े तुम उनसे रिश्ते जोड़ो। तो कुरान ने कहा कि जो रिश्तों को जोड़ता है कुरान की रहमतें कुरान की हिदायतें उसके मुकद्दर में आती है, और जो रिश्तों को तोड़ता है रिश्तों को जोड़ता नहीं है कुरान की हिदायत कुरान की रहमत उसके हिस्से में नहीं आती। इसलिए हम थोड़ा रुककर गौर करें, क्या हम अपने रिश्तों की हिफाजत करते हैं, क्या हम अपने रिश्तों को तोड़ते हैं? अगर हम अपने रिश्तों की हिफाजत करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर हम अपने रिश्तों की हिफाजत नहीं करते बल्कि उन्हें तोड़ते हैं तो उस पर हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि हम कुरान की हिदायत से और कुरान की रहमत से इस अमल की वजह से रुके हुए हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि कुरान की हिदायत हमारे मुकद्दर में आए, कुरान की रहमतें हमारे मुकद्दर में आए, तो हमें अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करना पड़ेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहब अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही औ युनसा लहू फी उमरी फलियसिल रहिमा, जो चाहता है कि उसके रिज्क में बरकत दी जाए, उसकी उम्र में बरकत दी जाए, उसे चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। रहमत अल्लाह ताला अपनी रहमत के जरिए बीमारियों से उसकी हिफाजत फरमाता है, हिदायत देकर के गुमराही से अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। तो अगर हम चाहते हैं आफात मुसीबतों परेशानियों से बच जाए तो हमें अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हम दुनिया में कितने फितने बरपा हो रहे हैं, जो सबकी ये तमन्ना है कि हम इस्लाम से किस तरह हट जाए, अगर हम ईमान पर कायम रहना चाहते तो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करेंगे तो कुरान करीम की हिदायत हमें मिलेगी। हुदा व रहमतल लिल मुहसिनीन, दूसरी तफसीर मुफस्सिरीन ने की, मुहसिनीन कहा जाता है जो नेकियों के काम करते हैं और बुराई के कामों से बचते हैं, उनके अल्लाह की तरफ से रहमतें बरकतें उनको मिलती है। और बाद मुफस्सिरीन ने कहा रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करते हैं, नेकी भी करते हैं
और ये सारे काम अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं। तो हुदं व रहमतन लिल मुहसिनीन का मतलब है हुदं व रहमतन लिल मुखलिसीन, जो हर काम इखलास के लिए करते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं। अगर हम तफसीर में बैठे इसलिए नहीं कि हम को तफसीर में बैठने वाला कहा जाए, मैं तफसीर करता हूँ इसलिए नहीं कि लोग मुझे मुफस्सिर कहेंगे, हम तफसीर का इंतज़ाम करते इसलिए नहीं कि हमारी शोहरत हो, हम सब का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। इसीलिए हदीस जिब्रील में मुस्लिम शरीफ की पहली हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हजरत जिब्रील अमीन ने सवाल किया अखबिरनी अनिल एहसान, ए अल्लाह के नबी एहसान किसे कहते हैं, मुहसिन किसे कहते हैं वो हमें बताइए। तो अल्लाह के नबी ने कहा अन तअबुद अल्लाह कअन्नक तरा, तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को अपनी निगाह से देख रहे। अगर हमें कोई पुलिस देखता है चोरी करते हो तो हमारी चोरी करने की हिम्मत होगी? अगर हम बगैर मास्क के अभी चले जाएं तो पुलिस के सामने हमारे जाने की हिम्मत होगी? किससे डरते हैं हम? फाइन से डरते हैं। किससे डरते हैं? इज्जत से डरते हैं। रब्बे जुल जलाल की ऐसी इबादत करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे। अगर ये नहीं हो सकता फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा, ये देखो कि दुनिया ने तो अपने कैमरे लगा दिए हैं, रब्बे जुल जलाल बगैर कैमरे के हमेशा देखता है। हमें हर काम इखलास के साथ कर, तो कुरान करीम की आयत से हमें अपने कामों में इखलास पैदा करने की अहमियत दिलाई गई है कि हर काम अल्लाह के लिए करो, रिया दिखलावे के लिए अपने आप को बचाओ। हुदा व रहमतन लिल मुहसिनीन, आगे कुरान कहता है अल्लज़ीन युकीमुनस्सलाह, जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। तीन काम, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और आखिरत पर यकीन रखना, ये तीन काम जो करता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, वो हिदायत के ऊपर बैठेगा, हिदायत उसकी सवारी बन जाएगी और इंशाअल्लाह ये तीन काम करने वाला उसका खात्मा बिलखैर होगा। जब वो इस दुनिया से जा रहा होगा तो उसकी जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी होगा। सबसे पहला काम अल्लज़ीन युकीमुनस्सलाह, अल्लामा सावी कहते हैं नमाज कायम करने का मतलब क्या है, एक है नमाज पढ़ना और एक है नमाज कायम करना। नमाज कायम करने का मतलब यह है कि युसल्लूनहा बी रियायति आदाबिन, जो नमाज को उसके आदाब और उसके उसूल, उसके ग्रामर, उसके दस्तूर के साथ पढ़ता। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नबी ने फरमाया जैसे मेरी नमाज है वैसे अगर तुम्हारी नमाज हो गई तो हमें नबी वाली नमाज पढ़नी। ऐसा नहीं कि एक आदमी नमाज पढ़ता है तो चार रकात वाली नमाज में चार दुकानों का हिसाब करता है। युकीमुनस्सलाह, इकामत सलात यानी सुन्नत और आदाब की रियायत करते हुए। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फराइज, नमाज के फराइज क्या है सीखना चाहिए, नमाज के वाजिबात क्या है, नमाज की सुन्नतें क्या है, नमाज के मुस्तहबात क्या है, ये हमें सीखना चाहिए और उसको समझकर उस पर अमल करना चाहिए। और दूसरा कुरान ने कहा वयूतून ज़का, ज़कात अदा करते, अपने मालों की ज़कात अदा करते। और तीसरे नंबर पर कहा ओहुम बिल आखिरति हुम यूकिनून, वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, यानी कयामत के मरने के बाद दोबारा उठना है, अल्लाह के सामने हिसाब व किताब देना है, अच्छा हिसाब निकला तो जन्नत मिलेगी और बुरा हिसाब निकला तो जहन्नम मिलेगी, ये हमारे दिल के अंदर
आखिरत के बारे में यकीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काफिरों का अकीदा है कि मर गया तो उसकी राख को बहा दिया गया, वो अपने आएगा। वो कहते हैं अइदा वलल्ला फिल अर्दी अइन्ना लफी खल्किन जदीद, जब हम जमीन के अंदर फल जाएंगे, फूल जाएंगे और गल मिल जाएंगे तो दोबारा हमको कौन निकालेगा। कुरान करीम कहता है रब्बे जुल जलाल की जात वो है, जब तुम नहीं थे तब भी तुमको पैदा किया, तो तुम्हारी राख है, वो कैसे भी तुमको लाएगा। एक बुखार है, आम आदमी उसका, हम आम लोग उसका पता नहीं चला सकते कि इसको कितना बुखार है, लेकिन जो बुखार का माहिर, जो डॉक्टर, जो तबीब है, वो अपनी डिग्री और अपने आले के जरिए उसकी बुखार की कितनी की डिग्री है उसको पता लगा लेता है। तो रब्बे जुल जलाल भी तुम्हारी राख कहाँ गई है और किधर है, सब अल्लाह की निगाह में है, वो एक सिकल के अंदर उसको जमा करने पर कादिर है। तो हमारे हमें तीन काम करना है, नमाज कायम करना है, ज़कात अदा करना है और आखिरत का यकीन रखना है। कुरान ने कहा ये तीन सिफात पर जो अमल करेगा उलाइक अला हुदा मिन रब्बिहिम, इंशाअल्लाह उसका खात्मा बिलखैर होगा और वह उलाइक हुमुल मुफ्लिहून, वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। दुनिया की कामयाबी किसे कहते हैं और आखिरत की कामयाबी किसे कहते हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफी उस्मानी साहब दामत बरकातहुम ने अपनी किताब नफ़उल मुस्लिम दरस मुस्लिम के अंदर मुस्लिम शरीफ की शरह के अंदर जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि एक इंसान को जिंदगी मिले और जिंदगी गुजारने के जितने असबाब हो सकते हैं वो असबाब उसे मिल जाए, यह है दुनियावी जिंदगी, दुनिया की कामयाबी। इंसान को दो टाइम का खाना मिले, सुकून की हलाल रोजी उसे मिले, हलाल तिजारत उसे मिले, हलाल कारोबार मिले, उम्र भी मिले और उम्र को बिताने के हलाल जराए भी मिले, ये दुनिया की कामयाबी है। और आखिरत की कामयाबी है कि रब उससे कह दे उदखुली फी इबादी, मेरे बंदों के साथ जन्नत में दाखिल हो जा। तो अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में हमारे लिए हलाल रिस्क के असबाब खुल जाए, हमें सुकून की जिंदगी मयसर हो जाए, नमाज का एहतमाम कीजिए, जकात की अदायगी कीजिए और आखिरत का यकीन अपने दिल में रखिए, तो दुनिया की कामयाबी मिल जाएगी और आखिरत की भी कामयाबी मिल जाएगी। आगे कुरान करीम ने फरमाया وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ। ये आखिरी जो दो आयतें आ रही है, इन दो आयतों का एक शान नुज़ूल है, एक पस मंजर है, एक बैकग्राउंड। एक आदमी कहता है कि हम वसीम हॉस्पिटल के सामने जो टन है उस टन से क्रॉस कर रहे थे, अचानक बारिश शुरू हुई और टायर हमारा फिसल गया और हम गिर गए। तो गिरने की वजह बनी बारिश से गाड़ी कीचड़ में भर गई और गिर गई। तो ऐसे ही अल्लाह की तरफ से कुछ आया किसी मौके पर और किसी खास वाकये के पस मंजर में उतरती। चुनांचे मक्का का एक काफिर था, उसका नाम था नजर इब्ने हारिस इब्ने कल्दा। नजर इब्ने हारिस इब्ने कल्दा, ये इसका मुल्क शाम के लिए, उस जमाने में मुल्क शाम तिजारत का गढ़ था, बहुत लोग वहां तिजारत के लिए जाते थे। ये बहुत सारे लोग मुंबई जाते हैं काम के लिए, तो ऐसे बहुत से लोग वहां तिजारत के लिए जाते थे। तो नजर इब्ने हारिस इब्ने कल्दा नामी शख्स मक्के से जो है तो मुल्के शाम बगर से तिजारत जाता था, और वो देखता था कि यहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाते हैं, तो उसके दिल में तमन्ना हुई कि मैं मुल्के शाम जाऊं और वहां से अजमी लोगों और बादशाहों के किस्से कहानी की किताबें खरीद कर लाऊं और जो कुरान सुनेगा उनको कुरान सुनने से रोकूं और उनको ये किस्से कहानी की किताबें पढ़ करके सुनाऊं।
चुनांचे वो किस्से कहानी की किताबें खरीद कर लाता था और जो लोग कुरान सुनने की तमन्ना करते थे उनसे कहता था कि मोहम्मद तुमको नमाज का हुक्म देते हारका में, जकात का हुक्म देते, कमाई से मेहनत करके लोगों को लुटाना मुश्किल काम है, आखिरत पर यकीन रखते हैं, जिसके कैसी कैसी तालीम देते हैं, बोले इन चीजों के ऊपर यकीन रखना बहुत हार काम है। ये देखो मैं तुमको सिर्फ मेरे किस्से सुनो मजे ले लो और चल जाओ, सिर्फ मैं बोलता हूं कि मेरे किस्से सुनकर के मजे लेकर के चले जाओ। तो जब किस्से और कहानियां सुनकर सुनाता था तो लोगों को कुरान से रोकता था, तो कुरान को सुनने से रोकने का एक काम उसने क्या किया था कि वो बुरी किताबें खरीद कर किस्से कहानी की किताबें लोगों को थमाता और कुरान जैसी मुकद्दस किताब से रोकता। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा जैसे साहिब रहमानी अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो मुल्क शाम से नाचने और गाने वाली बांधिया और लौंडिया खरीद कर लाता था। जब बांधिया और लौंडिया खरीद कर लाता, जब कोई भी कुरान सुनने का तमन्ना करता तो उनसे कहता अरे आओ इधर, बांधी को ऑर्डर देता, वो नाचती गाने गाती और कुरान सुनने से इस तरीके से हमको रोकता था। तो कुरान करीम ने इस मौके पर आयत नाजिल की कि बाज लोग वो है जो लहव की बातें खरीदते हैं, यानी बांदी खरीद कर लाते हैं, या अजाइब अजमी बादशाहों की किस्से कहानी की किताबें खरीद कर लाते हैं, लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, ताकि कुरान सुनने से लोगों को गाफिल कर दे, बगैर इल्मन समझे बुझे बगैर, कुछ समझते नहीं और कुरान की हक्कानियत को जानते नहीं और बस दुनियावी बातों में हक से हटाने के लिए लोगों को फिक्र करते थे। तो कुरान ने कहा वयत्तखिज़ुहा हुज़ुआ, और वो उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसको मजाक बनाते हैं, उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन, ऐसे कुरान से लोगों को रोकने वालों के लिए आखिरत में रुस्वा कुन अज़ाब है। जो कुरान सुनने से, कुरान समझने से, कुरान पढ़ने से, कुरान पढ़ाने से, कुरान की तालीम को आम करने से लोगों को रोकते हैं, कुरान ने कहा उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन, ऐसे लोगों के लिए दुनियावी जिंदगी में और आखिरत में रुस्वा कुन अज़ाब। अब कयामत तक उस नज़र इब्ने हारिस का बुराई के साथ तस्करा चलता रहेगा कि नहीं, बोलो, उसने बोला कि कयामत तक उसकी रुसवाई के लिए ये आयत पढ़ी जाती रहेगी और उसके बारे में तफसीर जब भी की जाती रहेगी इस आयत की तो उसका नाम बुराई के साथ आएगा। तो आखिरत में तो रुसवाई और बुराई है ही, लेकिन दुनिया के अंदर भी उसके लिए रुसवाई और बुराई है। कुरान ने कहा वइदा तुतला अलैहिम आयातुना, जब उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती तो तकब्बुर करता हुआ मुंह फेर कर चल जाता, गोया कि उसने कुरान को सुना ही नहीं, गोया कि उसके कानों में सिकल पड़ा हुआ है, उसके कानों में डांट पड़ी हुई है, आप उसे दर्दनाक अजाब की बशारत सुना दीजिए। तो ये नजर इब्ने हारिस इब्ने कल्दा, ये अजमी किस्से कहानियों की किताब खरीद के लाता था और कुरान करीम के सुनने और सुनाने से लोगों को रोकने की कोशिश करता था। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इस वाकये का उतरने की वजह अगरचे खास है, इन्हें खास आदमी के लिए उतरी है, लेकिन इनके अल्फाज आम है और कुरान करीम आने वाले कयामत तक इंसानों के लिए है, लिहाजा जो शख्स भी इस तरीके के काम करेगा तो जो सजा उसको मिलेगी वो काम करने वाले को ये सजा कयामत तक जो भी ये काम करेगा उसको ये सजा मिलती रहेगी। हजरत मौलाना हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं लहवल हदीस, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने गाना गाने और गाना सुनने की हुरमत पर मजम्मत बयान फरमाई कि गाना गाना भी गुनाह है और गाना सुनना भी गुनाह है।
चुनांचे साहिब तफसीर रुहलमानी अल्लामा महमूद आनुसी फरमाते हैं, इमाम ज़हाक फरमाते हैं, अलगिना मुनफिदतुल लिल माल, गाना माल को बर्बाद कर देता है। एक बच्चे को गाना सुनने की आदत है तो वो एक एक दो दो हजार का रिचार्ज मारेगा कि जिसमें रोज की 3 GB आए, ऐसा रिचार्ज मारेगा और दिन भर गाने और पिक्चर में अपना वक्त बर्बाद करेगा। तो अलगिना मुनफिदतुल लिल माल, गाने से माल बर्बाद होता है। और दूसरा फरमाया अलगिना मुस्खितुल रब्बी, गाना सुनना और गाना गाना रब्बे जुल जलाल को नाराज करता है। इसीलिए तो कुरान ने कहा उलाइका लहुम अज़ाबुन, ये बांदी से गाना गाने लगाता था और लोगों को गुमराह करता था तो अल्लाह ने उसके लिए नाराजगी के अल्फाज बोले उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। तो गाना गाना और गाना सुनना, पिक्चर बनाना, देखना, दिखलाना, हर तरह के ये गुनाह है जो रब्बे जुल जलाल को नाराज करते हैं, मुस्खितुल रब। और तीसरा नुकसान फरमाया इमाम ज़हाक ने के मुफसिदतुल कल्बी, उससे दिल गंदा हो जाता है। दिल के अंदर हक कबूल करने की जो सलाहियत होती है, जो ताकत होती है, जो इस्तेदाद होती है, वो छुप जाती है। वो क्या हो जाती है, फिर उसको हक बात अच्छी नहीं लगती। जब भी उसके सामने हक बात आती है तो ऊपर चूंकि ख्वाहिशात ने अपना काबू पा लिया है तो वो हक बात को लौटा देती है। मुफसिदतुल लिल्कल्ब। अबू ज़ैद इब्नुल वलीद कहते हैं, साहिब रुहलमानी ने जिक्र किया, इय्याकुम वल गिना, गाना सुनने और गाना गाने से अपने आप को बचाओ। फइन्नहु यनकुसुल हया, इसलिए कि गाना गाना हया को खत्म कर देता है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक ताकत और एक जो है तो एक हिस रखी है कि जिस ताकत के जरिए इंसान गुनाहों से बचता है और नेकी करता है। हर एक की ख्वाहिश ये है कि उसकी बेटी पर्दे में रहे। क्या हम में से कोई चाहता है कि चौराह के ऊपर उसकी बेटी बरहना फिरे? हर एक के अंदर एक जज्बा है कि उसकी बेटी बरहना न रहे, जज्बा है कि नहीं? तो ये गाना इस अच्छे जज्बे को खत्म कर देता है। فَإِنَّهُ يَنْقُصُ الْحَيَاءَ وَيَزِيدُ الشَّهْوَةَ, शहवत को बढ़ाता है और وَيَدْعُو إِلَى الزِّنَا, जिना की तरफ दावत देता है। गाना सुनने से इंसान का ईमान कमजोर होता है, इंसान जिना में मुबतला हो जाता है। बल्कि बाज मुफस्सिरीन ने कहा अल गिना जासूसु कल्ब, गिना गाना दिल के ऊपर जासूसी करता है और उसके ऊपर निगरानी रखता है। अच्छे ख्याल जब भी आता है तो गाने की वजह से उसके दिल के ऊपर अच्छे ख्याल को आने नहीं देता है, हमेशा उसके ऊपर बुरे ख्याल को लाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अजीब बात बयान फरमा दी। इमाम बैहकी कहते हैं हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह अनहु की रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं अल गिना युम्बितुन निफाक फिल कल्बी कमा युम्बितुल माउ अज़रअ, के गाना दिल के अंदर निफाक को पैदा करता है जैसे पानी खेत के अंदर खेती को उगाती है। अगर इंसान गाना सुनता है, गाना गाता है, उसका ईमान खतरे में आ जाता है, उसके दिल में निफाक पैदा हो जाता है, यानी ज़बानी मोमिन रहता है, अल्लाह की लिस्ट में वो काफिर शुमार होता है। इसलिए मेरे दोस्तों आज की आयत हमें ये सबक देती है कि हम अपनी नस्ल के मुहाफिज बने। वो बाप क्या काम का जिसकी औलाद उसकी नहीं सुनती, उसे रात को रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए कि मेरी औलाद मेरी क्यों नहीं सुनती। अगर हम आज इस आयत की रोशनी में
हमें सबक मिलता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत हमारी बर्बाद हो तो हमारे बच्चों को गानों में पिक्चरों में रहने दें, और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी और हमारी औलाद की दुनिया और आखिरत सवर जाए तो हमें चाहिए कि हम उनकी दीनी और दुनियावी फिक्र करते हुए उनको गानों से बचाए। आज जो जीना आम होता चला जा रहा है, और जैसे ही सुबह फजर के बाद उठो और खबरें देखते हो तो आपको लिखा दिखता है कि मुसलमान की लड़की फुला गैर के साथ राह फिरार इख्तियार कर गई। इमाम जैद ने कहा अद-गिना दाइयतु ज़िना, गाने से जिना की दावत मिलती है, गाने से जिना की दावत मिलती है, इसलिए हम अपने आप को गुनाहों से बचाएं। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू उमामा फरमाते हैं, मा रफा अहदुन सौतहु बिल गिना, जो कोई आदमी गाना गाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करता है, इल्ला बअसहुल्लाहु शैतानैनि, अल्लाह दो शैतान उस गाना गाने वाले के पास भेज देता है, यजलिसु अला मनकबैही, उसके मोंडों के ऊपर बैठ जाते हैं, यज़रिबानि बिअअक़ाबिहिमा, अपनी जो है तो पैर से और उसको अपने पैरों से मारते हैं, एड़ियों से मारते हैं, उसके ऊपर एड़ियां बजाते, उसको शाबाशी देते हैं, उसकी पीठ ठोकते हैं कि बहुत अच्छा काम करता है, उसके ऊपर बैठे रहते हैं यहां तक कि वो गाने से रुक जाए। तो इस हदीस में गोया कि गाना गाने से इंसान शैतान के करीब आता है, शैतान इंसान से करीब हो जाता है, मलाइका से दूर हो जाता है, जब शैतान से करीब होता है तो उसकी बर्बादी के फैसले हो जाते हैं। एक हदीस में तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जिस आदमी जो गाना सुनता है, हदीस में अल्लामा सावी कहते हैं, साहिबे अल्लामा सावी कहते हैं कि जन्नत के अंदर एक दरख्त, बहुत सारे दरख्त हैं और उन दरख्तों के ऊपर घंटियां लगी हुई है, घंटियां चांदी की घंटियां लगी हुई है, जब अहले जन्नत जन्नत में गाना सुनने की तमन्ना करेंगे तो अल्लाह ताला अपने अर्श के साये के नीचे से एक हवा चलाएगा जिससे वो दरख्त हरकत करेंगे और दरख्त पर लगी हुई घंटियां बजेंगी। तो मुफस्सिरीन ने ऐसा जुमला कहा, लौ समिअहा अहलु दुनिया लमातु तौबा, कि वो मारे खुशी के दुनिया वाले अगर जन्नत की गाने की आवाज को सुन लेंगे, ऐसी सुरीली आवाज का गाना होगा, अगर वो सुनेंगे तो मारे खुशी के बेहोश हो जाएंगे। लेकिन ये गाना जन्नती गाना किसे मिलेगा, जिसने दुनियावी गानों से अपने आप को बचाया होगा, और अगर जो दुनिया की लज्जत और मीठी आवाजों से अपने ईमान और अपने अखलाक को बिगाड़ रहा होगा, उसे उस जन्नती गाने से महरूम कर दिया जाएगा। इसीलिए कुरान करीम कहता है, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, मुफस्सिरीन ने कहा कि कुछ खेल वो होते हैं जो इंसान को कुफ काफिर बना देते हैं, कुछ खेल ऐसे हैं जो इंसान को काफिर बना देते हैं, जैसे ये खेल खेल रहा है, बांदिया खरीद के लाता है और कुफर में लोगों को डालता है, कुछ खेल ऐसे हैं जो काफिर तो नहीं बनाते लेकिन गुनाह में डाल देते हैं, जैसे टीमार जुआ। तो इस आयत से मुफस्सिरीन ने, जैसे अहकामुल कुरान अल्लामा इब्ने अरबी कहते हैं कि इस आयत से गोया के इशारा है कि इस आयत में कुफर वाले खेल से भी मुमानअत है, और ऐसे खेलों से जो कमार है, जुआ है, बहुत सारे मैच के शौकीन रहते हैं, इंडिया जीती तो इतना, पाकिस्तान जीता तो इतना, दोनों आपस में मिलाते हैं, जबकि ये कमार और जुआ की शक्ल है, ये हराम, इससे बचना चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे कामों से बचने की कोशिश करें। कुरान करीम की आयत वही बतलाना चाहती है, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, ऐसे काम करने से बचो कि जिसमें इंसान खुद गुमराह हो या इंसान दूसरों को गुमराह करे, ऐसे कामों से बचना चाहिए। इसी में आता है, जैसे ये लोगों को गाने सुनाता था, मोबाइल से गाना किसी को शेयर करना ये भी गुनाह है, जिस तरह गाना सुनना सुनाना, इसी तरह गाना शेयर करना, वीडियो भेजना गाने वाला,
ये भी क्या है, गुनाह है, कबीरा है। हमें इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस नशिश्त को कबूल फरमाए। और कुरान करीम ने जो इस आयत में हमें पैगाम दिया, तीन पैगाम इस आयत में मिले, कितने पैगाम, आज की तफसीर का खुलासा कितनी बातें, तीन। नंबर एक, हम अब रिश्तेदारों से मोहब्बत करने वाले बने, हम अपनी इबादतों में इखलास पैदा करने वाले बने। नंबर दो, नमाज की पाबंदी, ज़कात की अदायगी और आखिरत का यकीन अपने दिल में जमाए बिठाए। और नंबर तीन के ऊपर, हम अपने आप को गुनाहों के गानों के सुनने और सुनाने से अपनी भी हिफाजत फरमाएं, अपनी औलाद की भी हिफाजत फरमाएं। रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है कि अल्लाह ताला आज की नशिश्त को कबूल फरमाएं और हम सबको मुहसिनीन में दाखिल फरमाएं। अल्लाह हमारे लिए हिदायत के फैसले फरमाएं। अल्लाह हमें हमेशा दुनिया और आखिरत की कामयाबी मुकद्दर फरमाएं और रुस्वा कुन अज़ाब से अल्लाह हमारी और आपकी हिफाजत फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ कर लीजिए। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ قرآن کریم کی جن آیات کی تفسیر ہوئی مولا ہمیں محسنین میں شامل فرما، ہمیں اولئک هم المفلحون میں شامل فرما، اولئک لهم عذاب مہین سے ہمیں بچا لے، اے اللہ نیکی کرنے کا جذبہ پیدا فرما، اے اللہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا بنا، نماز کی پابندی کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں تو آخرت کا یقین نصیب فرما، اے اللہ تجھ سے لینے والا بنا، اے اللہ رسوا کن عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گانے سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ بے حیائی سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ بھلے سے مجلس تمہیں چھوٹی دنیا کے اعتبار سے لیکن تیرے قرآن کی نسبت پر جڑے ہوئے ہیں، مولا کریم تو ہم سب کی اس مجلس کو بے انتہا قبول اور منظور فرما، اے اللہ ہم سب کو تو تیرے نیک بندوں میں شامل فرما، قرآن کا سمجھنا آسان فرما، قرآن کا سمجھانا آسان فرما، اے اللہ علماء سلور مجلس علماء سلور جو یہ کام کرتی ہے تفسیر کی ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ جو لوگ اس محنت میں شریک ہوتے ہیں جیسے آج کی یہ محنت مولا عبادت خانے میں ڈاکٹر صاحب کے نام ہے، مولا کریم جس طرح تو نے انہیں ظاہری شفا یابی کے لیے قبول کیا تھا کئی دنوں سے یہ تفسیر قرآن کے سلسلے اور نماز کی جگہ بن گئی ہے، باطن کی بھی اصلاح کے لیے ہمیشہ کے لیے اسے قبول فرما، اللہ اختلاف سے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری لڑکیوں کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہم میں سے جن کے مرحومین آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ڈاکٹر صاحب کے غالباً فرزند بھی آپ کے پاس آ چکے ہیں، مولا کریم ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہر ایک کو تو نیک صالح بنا، ہمیں تیرے دین کی خدمت کے لیے تا قیامت تک قبول فرما، اے اللہ جن کی لڑکیاں بے نکاح ہے انہیں نیک صالح جوڑے نصیب فرما، اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ تو ہم سب کو تیرے نبی کے سچے پکے عاشقوں میں داخل فرما، مسلمانوں کو حلال رزق عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما، بے روزگاری کو ختم فرما، اے اللہ ہمارے تاجروں کی تجارت میں برکت دل فرما، اے اللہ ہمارے مسلمان ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں شفا یابی نصیب فرما، اے اللہ تاجروں کی تجارت میں برکت نصیب فرما، اے اللہ مزدوروں کے روزگاری کے فیصلے فرما، اے اللہ تو کسی کو بے روزگار نہ بنا، اے اللہ ایک کے لیے حلال رزق کے اسباب مہیا فرما، تیرے نبی نے خیر کے لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہے ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ان سب کو نجات نصیب فرما، سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ سب ساتھیوں کے لیے چائے کا انتظام ہے، کہ
सहरा में